दिल्ली में एमसीडी चुनाव का शंखनाद शुरू हो गया है। पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में निजी संस्था के बैनर तले विकासपुरी के ओम बिहार में महिलाओं की साड़ियां भी बांटी जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में अभी कुछ वक्त ही बचा है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। और वहीं हर पार्टी का प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी कड़ी में विकासपुरी के ओम विहार स्थित वार्ड संख्या 21 एस इलाके में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में एक निजी संस्था ने महिलाओं को साड़ी वितरण किया। दरअसल इस इलाके में रहने वाली निशा त्यागी, जो बीजेपी नेता भी है, और इन्होंने मानव विकास सेवा समिति, जो इनका खुद का एक एनजीओ है, उसके बैनर तले इलाके की सैकड़ों महिलाओं को साड़ियां वितरण की है। और वहीं इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष नजफगढ़ से विजय सोलंकिया और बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं, हमारे कार्यकर्ता कोई चुनाव सामने है इसको ध्यान में रखकर ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सतत चलता रहता है, संगठन के कार्य में, समाज के कार्य में, मानवता के भलाई के कार्यों में हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। और अगर निगम का चुनाव है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो कोई हर कार्यकर्ता अपने अपने किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ समाज का कार्य करता है, लेकिन इसको चुनाव से जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वही बीजेपी नेता और निजी संस्था के अध्यक्ष निशा त्यागी ने बताया कि ये संस्था का कार्यक्रम है, इसका एमसीडी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारी संस्था पिछले 20 साल से काम कर रही है। इसमें बच्चों की एजुकेशन, लड़कियों की, गरीब परिवारों की शादियां जैसे नहीं कर पाते उनकी फैमिली से, और किसी भी महिला के पास रोजगार नहीं है, वो घर में रहती हैं, बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे पुरुष भाई थोड़ा कम कमाते हैं और महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं, इसीलिए हमारी मानव सेवा समिति ने ये कार्यक्रम रखा है आज कि हमने महिलाओं, आई हुई महिलाओं का सभी का सम्मान किया। ऐसा कहना उचित नहीं है। दरअसल हमारी संस्था पिछले 20 सालों से काम कर रही है। उस समय पर एमसीडी का कोई चुनाव नहीं था और मैं पार्टी में भी नहीं थी, तो अभी इस काम को मानव विकास समिति के द्वारा और आगे से आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास। एमसीडी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि एमसीडी चुनाव में जीत का ताज किसके सर सजेगा। ओम विहार से मोहम्मद अजीज की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।